कैसे आप लोग लोग सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिस्ट्री शॉप 10.0 के बारे में। उसी के साथ साथ आपको इस वीडियो में कई सारे अपडेट्स बताऊंगा, जैसे हमारे वेपन रॉयल, कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ न्यू मोड्स के बारे में, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारे अपडेट्स पता चले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे और अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको रैंक सीजन 17 के बैनर्स वगैरह दिखा देता हूँ, जो हमारे बैनर्स कॉस्ट्यूम मिलेंगे हीरोइक पे, गोल्ड पे, वो सब दिखा देता हूँ। सो जैसा आप देख रहे हैं, ये सिल्वर का है सबसे ऊपर, फिर गोल्ड का एंड देन प्लैटिनम का है, तो तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैनर है। फिर आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमें गोल्ड पे मिलता है जैकेट, वो कैसा होएगा। सो जैसा आप देख रहे हैं, ये जैकेट हमें गोल्ड पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक सा जैकेट है। और काफ़ी ज़्यादा एक येलो टाइप का जैकेट इसी तरह का है हमारे को मिलता है, जो कि स्टोर में, और ये सेम वैसा ही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा डायमंड और हीरोइक का बैनर होएगा। सो जैसा आप देख रहे हैं, डायमंड और हीरोइक का बैनर कितना ज़्यादा ओपी है भाई। हीरोइक का बैनर तो सबको फेवरेट होता ही है भाई, हीरोइक पे जाने का अलग ही खुशी होती है। और इसकी जैकेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो अभी हमारा सीजन 16 चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छी इसकी जैकेट है। और ये सबसे बड़ी बात, ये मेल की जैकेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो इसका हीरोइक का जैकेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और बैनर वगैरह भी ठीक ठाक सही है। तो और दोस्तों मेरे ख्याल से आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने सुबह को बनाई थी तो उस टाइम मेरी आवाज़ कुछ इसी टाइप की थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो एक इवेंट के बारे में। सो सबसे पहले मैं उसका आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ, फिर बात करेंगे इस इवेंट के बारे में। दोस्तों इस इवेंट का नाम है वॉर ऑफ असैसिंस, जिसमें कि आपको दो क्लैन देखने को मिलते हैं, मतलब दो टीम देखने को मिलती है। एक का नाम है ब्लू फिनिक्स क्लैन, एक का नाम है वाइट ईगल क्लैन। तो अगर आप इनमें से कोई एक चूज़ करोगे तो आपको उसके हिसाब से आइटम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर वाइट ईगल क्लैन को चूज़ कर रखा है, तो इसमें वाइट ईगल बंडल, परंक स्किन, टी इमोट, ये सब देखने को मिल रहा है। और अगर आपने ब्लू फिनिक्स क्लैन को चुना होगा तो आपको उसमें मिलेगा ब्लू फिनिक्स बंडल, उसके साथ आपको मिलेगा ये क्रॉसबो का लेजेंडरी स्किन, और आपको मिलेगा थ्रोन इमोट, उसके साथ बैकपैक, ये ग्रेनेड, ये सब सामान आपको देखने को मिलेगा। तो आप पे डिपेंड होता है कि आप ये कौन सी टीम को चूज़ कर रहे हो। आप जो सी भी टीम चूज़ करोगे उसी के हिसाब से आपको आइटम्स देखने को मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको बंडल्स वगैरह देखने को मिलेगा। सो ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इस इवेंट में आपको डायमंड तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब स्किन्स आपको फ्री में तो नहीं मिलेगी, इसमें आपको डायमंड्स भी लगाना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड होएगा, आपके लक पे डिपेंड होएगा, आपको कितना डिस्काउंट, कुछ इस टाइप का इवेंट होगा ये। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट, जो कि हमारे एक पिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आपको पिन्स देखने को मिल रहे हैं गेम में, जैसे अगर आपने ब्रिंगर्स को चूज़ किया होगा तो ब्रिंगर्स का पिन देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी को चूज़ किया होगा तो लाइब्रेरी का, उसी तरह से एक न्यू स्कल जैसा पिन निकल के आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी इमेज। सो जैसा आप देख रहे हैं, ये पिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो ये रेड कलर का है। और मेरे ख्याल से जो हमारा नेक्स्ट ओबी अपडेट होगा उसमें कुछ इवेंट्स में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अदर सर्वर में कुछ इस टाइप का इवेंट चल रहा है, जिसमें कि मिल रहा है हमें परंग की स्किन, पैन की स्किन, ग्रेनेड की स्किन, काफ़ी ज़्यादा स्किन्स है जो मेले वेपन्स और ग्रेनेड्स की स्किन, वो भी बिल्कुल फ्री में, कुछ टोकन्स को कलेक्ट करके उनको एक्सचेंज करने पे ये सारी अच्छी अच्छी परंग की स्किन, पैन की स्किन देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इवेंट है, जिसमें कि ये गोल्डन परंग भी देखने को मिल रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में, गोल्डन पैन भी देखने को मिल रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इवेंट लग रहा है मुझे। तो आप लोग बताना आपको ये इवेंट कैसा लगा।
सो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल हो सकता है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये M60 की स्किन है जो कि वेपन रॉयल में चल रही है इंडोनेशिया सर्वर में। इसका नाम है कैप्टन बबल्स। तो आप इसकी अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें सिंगल प्लस हो रहा है डैमेज, डबल प्लस हो रहा है रेंज, और सिंगल माइनस हो रहा है हमारा इसमें रिलोड स्पीड। सो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किन है ये M60 की। अगर इसमें डबल प्लस रेट ऑफ फायर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता दोस्तों इस स्किन में। और इसी के साथ हमें देखने को मिल रही है ऑरेंज वाली M60 की स्किन भी, साथ में हमें देखने को मिल रही है गोल्डन वाली M60 की स्किन जिसमें डबल प्लस हो रहा है रेंज। सो ये भी हमारे जब जॉम्बी वाला मोड चल रहा था तब उस टाइम आई थी ये स्किन, और फिर ये गेम से हटा दी गई थी। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जो कि हमारा मिस्ट्री शॉप 10.0 के बारे में। सो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जो मिस्ट्री शॉप 10.0 है उसमें कौन कौन से बंडल्स देखने को मिल सकते हैं हमें। ये अभी कन्फर्म नहीं है कि यही बंडल्स हमें देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये बंडल्स कौन से हैं। तो दोस्तों ये जो दो बंडल्स हैं मेल फीमेल के, इसे बताया जा रहा है कि यही होंगे हमारे मिस्ट्री शॉप 10.0 के मेन बंडल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक से बंडल्स हैं। उतने भी अच्छे नहीं लगे मुझे भाई, मिस्ट्री शॉप के लायक नहीं लगे, बस इतनी सी बात है दोस्तों। इसका जो हेयर है मेल बंडल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो इसका जैकेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक सा है, क्योंकि ये जो बैग से इसका लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि थोड़ा बैटमैन सा दिखता है, मतलब सस्ते वाला बैटमैन दिखता है ये। और बाकी मास्क की बात करें तो मास्क मेरे को इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया दोस्तों, मास्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस जो इसका बैग से देखने को मिल रहा है ये जो हमारा उड़न तस्तरी है, ये थोड़ा मस्त लग रहा है मुझे। तो आप देखते हैं फीमेल की स्किन, देख सकते हैं आप जैसा फीमेल का भी हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो इसका टॉप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो इसमें बैटमैन जैसा दिख रहा है, मतलब बैट गर्ल होएगी यार ये तो, बैटमैन क्यों कह रहा हूँ, बैट गर्ल जैसा दिख रहा है, वो भी काफ़ी ठीक ठाक सा है। तो दोस्तों मैं इन दोनों बंडल्स को रेटिंग देने की बात करें तो मैं इसको 10 में से 6 देना चाहूँगा। पर्सनली ये मेरे को बंडल्स अच्छे नहीं लगे और मिस्ट्री शॉप के लायक नहीं लगे, इसीलिए मैंने इसको 10 में से 6 दिया। अगर हो सके तो इस बंडल्स को चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बंडल्स मेरे को पर्सनली उतने अच्छे नहीं लगे। तो आप लोग बताना दोस्तों आपको ये दोनों बंडल्स कैसे लगे। और दोस्तों मिस्ट्री शॉप 10.0 की डेट की बात करें तो ये 24 या 25 जुलाई को देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि ये हमें हर बार अपडेट के टाइम ही देखने को मिलती है। जब भी ओबी अपडेट आता है उसी टाइम पे मिस्ट्री शॉप भी आती है, तो इसके हिसाब से तो यही डेट बन रही है। और दोस्तों आप इनकी डेट को लेकर 70% तक कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ओबी अपडेट आने में अब सिर्फ 22 डेज बचे हुए हैं, जो कि काफ़ी कम होते हैं, और उसी टाइम मिस्ट्री शॉप में देखने को मिल सकती है। बट जो ये बंडल्स है इसके लिए आप श्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये बंडल्स उतने अच्छे भी नहीं है जो कि लगे कि हम ये मिस्ट्री शॉप में आ सकते हैं। मेरे को तो नहीं लगता ये मिस्ट्री शॉप में आने चाहिए बंडल। बट जो हमारा नेक्स्ट ओबी अपडेट है उसका थीम डेथ हो सकता है, और जो ये बंडल्स है इसका भी थीम डेथ ही है, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये भी बंडल्स आ सकते हैं दोस्तों। और इसकी रिगार्डिंग मेरे को और कोई अपडेट्स मिलेगी मिस्ट्री शॉप 10.0 के बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों बस इसी वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइज।